एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। आज हम लोग यहाँ कर्णवास में हैं। ये ऐतिहासिक स्थल है, महाभारत कालीन ये स्थान है। यहाँ पर राजा कर्ण महादानी आया करते थे। इस स्थान को कर्णशिला कहा जाता है। कहते हैं इस शिला पर बैठकर राजा कर्ण सवा मन सोने का दान किया करते थे। किसी पर्व काल में उन्होंने यहाँ आकर इस स्थान पर सवा मन सोने का दान किया होगा। उनकी ये गाथा पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। आज इस पुण्य भूमि पर आने का हम लोगों को अवसर मिला है। ऐसे ऐसे दानी लोग हमारे भारतवर्ष में हुए हैं, हमको भी प्रतिदिन दान निकालना चाहिए। परम ब्रह्म की आराधना हम करें, गुरु वचनों को पढ़ें, वेद वाणी पढ़ें, कम से कम दो ऋचाएं वेद की पढ़ें और प्रतिदिन दान निकालें। परमेश्वर के नाम से और दान से परम शांति प्राप्त होती है और महान संकटों को मनुष्य तर जाता है। हमारे वैदिक धर्म में, हिंदू धर्म में, नित्य स्नान, नित्य परम ब्रह्म का ध्यान, नित्य वेद पाठ, नित्य दान आदि की परंपरा रही है। हम आप सबको ये संदेश दे रहे हैं, यदि आप प्रतिदिन दान नहीं निकालते तो आज से आप दान निकालना भी प्रारंभ करें। दान से हमारा सौभाग्य बढ़ता है और जब वो दान इकट्ठा हो जाए तो उसे उचित स्थान पर अर्पित करें। कुपात्र को दिया हुआ दान भी फलदायी नहीं होता। किसी ऐसे स्थान में, गुरु स्थान में आप उसको अर्पित करें या जहां गरीब विद्यार्थी पढ़ते हों उनके लिए अर्पित करें। अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए या तकलीफ में पड़े हुए लोगों के हित के लिए उस दान को आप अर्पित करें। किंतु दान प्रतिदिन आप निकालने की आदत बना लीजिए। इस महान दानदाता कर्ण से कम इतनी प्रेरणा तो हमें लेनी चाहिए। आपको मैं याद दिला रहा हूँ, महाभारत का युद्ध जब हो रहा था और कर्ण बिल्कुल मरणासन्न था, घायल हो चुका था, अंतिम सांसें ले रहा था, उस समय कृष्ण महाराज ने अर्जुन को कहा, देखो ये महावीर महादानी कर्ण धन्यवाद का पात्र है, इसका दान प्रसिद्ध है, चलो मैं अंतिम समय इसकी परीक्षा लेकर इसकी महानता तुम्हें दिखाता हूं। और वे दोनों साधु का भेष बना के पहुंचे। कहा, हे महादानी कर्ण, तुम्हारी जय हो, कुछ दान कीजिए। कर्ण ने सोचा, इस अंतिम समय में, अंतिम काल में ये लोग दान मांगते हैं, कहां से दूं। फिर ध्यान आया, उन्होंने कहा, जरा ये पत्थर मुझको उठा दीजिए। कृष्ण महाराज ने वो पत्थर उठा के उसको दिया। कर्ण के दांतों में सोना मढ़ा हुआ था। उस पत्थर से दानवीर कर्ण ने अपने दांत तोड़ दिए और उसमें से सोना निकालकर जल से धो के कृष्ण महाराज को अर्पित किया। लो, ये आप ग्रहण करें। कृष्ण महाराज धन्य धन्य कह उठे, धन्य हो ऐसे राजा कर्ण।
उन्होंने कहा अपनी अंतिम इच्छा बताइए कर्ण राजा। राजा कर्ण ने कहा हे कृष्ण, हे यदुवंशी, मैं चाहता हूँ आप मेरा अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर कीजिए जहाँ आज तक किसी की अंतिम क्रिया ना हुई हो। कृष्ण महाराज सोच में पड़ गए, किंतु फिर भी राजा कर्ण के शव को लेकर के वो कर्ण प्रयाग पहुँचे और वहाँ अपने हाथों पर उस शव को रखकर उसकी अंतिम क्रिया की, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी स्थल ऐसा नहीं कि जहाँ कभी ना कभी कोई ना कोई जिसकी अंतिम क्रिया ना हुई हो, चिता ना लगाई गई हो। इस प्रकार कर्ण महाराज स्वर्ग पहुँचे और वहाँ उनके सामने सोना ही सोना, सोना ही सोना उनको अर्पित किया गया। कर्ण ने कहा मैं भूखा हूँ, कुछ फल, कुछ अन्न, कुछ जल मुझको दीजिए। धर्मराज ने कहा हे दानी कर्ण, आपने सोना ही सोना दान किया है, आपने अन्न तो दान किया ही नहीं। अरे ये तो मैं भूल गया, कृपया मुझको एक पक्ष के लिए फिर से पृथ्वी पर आप भेजें। धर्मराज ने उस पुण्य आत्मा की बात मानी, उनको फिर से पृथ्वी पर भेजा और जो ये हमारे यहाँ पितृपक्ष आता है 16 दिन का, 16 दिन राजा कर्ण ने अन्न क्षेत्र लगाया, खूब भोजन लोगों को कराया, सदा व्रत लगा दिया रात दिन, और कहते हैं इसलिए उस समय का नाम, पितृपक्ष का नाम कर्णागति, कर्णागत, कनागत भी पड़ गया। ऐसे महान राजा थे हमारे कर्ण, प्रभु परमेश्वर ऐसे महान दानी, राजा की आत्मा को शांति दे, प्रकाशमान करे, सुगंध से सुगंधित करे। कर्णवास में ये हैं देवी माता कात्यायनी कल्याणी, जो राजा कर्ण को प्रतिदिन 25 मन सोना दिया करती थी और कर्ण उस सोने को प्रतिदिन दान कर दिया करते थे। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।